नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज किस वीडियो में बात करना है अपना जॉब एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे आप किस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए इस वीडियो करते स्टार्ट और जान लेते हैं। तो आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इसे ओपन कर देना होगा। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ से अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे जो है रजिस्टर कर लेना होगा फ्रेंड, यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना होगा आपको। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करने का कई ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप जिस लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हैं, आपको इस लैंग्वेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना होगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है लेट्स गो, आपको इस पर टाइप कर देना होगा। टाइप करने के बाद आपको अपना नाम डालना होगा और यहाँ पे जॉब सिटी, आप जिस सिटी में जॉब लेना चाहते हैं उस जो है सिटी का नाम यहाँ पे इंटर करना होगा। तो चलिए हम अपना नाम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं और हमें जिस सिटी में जॉब चाहिए उस सिटी का नाम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो आप यहाँ से अपना लोकेशन भी जो है इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है सिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर मैच करने में। तो चलिए यहाँ पर लोकेशन ऑन करके हम अपना सिटी का नाम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो हम अपना यहाँ पे जो है अपने सिटी का नाम यहाँ पे इंटर कर दिए फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सिटी जो लखनऊ, यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। तो यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे एक आपको फिर और यहाँ पे लोकेशन को भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे नीचे देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मेल है या फीमेल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपको यदि आप जो है किसी वर्क में आपका एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं तो आप जो है यहाँ पे नो कर दीजिए। तो मेरा तो यहाँ एक्सपीरियंस अभी कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे नो करता हूँ। नो करने के बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने में मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे एजुकेशन डिटेल आपको पूछेगा। आप जो भी आपका एजुकेशन है आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, जैसे टेंथ पास हैं या बैचलर डिग्री है आपके पास एंड आप ग्रेजुएशन है कुछ भी हैं, तो आपको जो है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे टाइप करके आप जो आपका जो है डिग्री का नाम यहाँ पे दे देना होगा एंड यहाँ पे डिग्री का नाम और अपना चाहे अपना स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद अब आपको यहाँ पे प्रीफर्ड एम्प्लॉयड टाइप आपको यानी किस टाइप से आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या आप जो है डे टाइम और डे शिफ्ट, यहाँ पे फुल टाइम किस प्रकार से आप जॉब करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको आईटीआई में किस जो है ट्रेड से आपको यहाँ पे जॉब लेना है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। आप किस टाइप से आपका जॉब करना है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे आपका जो है आपका जो एक अकाउंट बन चुका है, अब आपको यहाँ पे अपना जो है आईडी फोटो यहाँ पे अगर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और फिर आपको प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। लगाने के बाद यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आपके फ्रेंड आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग यहाँ पे इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है इसे आप जो इनको इन्वाइट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए। फिर यहाँ पर नीचे कर दिए आप स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको जो है इस एप्लीकेशन में आपका जो है इंटर हो जाता। अब आप यहां से जो है अपने अपने लिए एक अच्छा सा जॉब यहां पर ढूंढ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे जॉब वाले सेक्शन पे जैसे टाइप करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं सारे जॉब हैं इसमें, जिसमें भी आपको अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है फीड का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस पर यदि करना चाहते तो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर टेक्नीशियन का एक जॉब है, इसी लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके यहाँ पे सब कुछ डिटेल आपको दिए गए हैं, यदि आपको यहाँ पे पसंद आता है तो आप जो इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जो है यहाँ पे जो भी जॉब आपको पसंद आता है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फीड का, तो आप इस पर जैसे टाइप करेंगे तो जितने भी डिटेल रहते हैं यहाँ पे जॉब के यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं हर एक यूज़र के थ्रू, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टैक्ट का, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के वाले उसमें जैसे टाइप करेंगे आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग इस ऐप्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे शो हो जाते हैं। आप इसे जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट से ऐसे ऐड कर सकते हैं और साथ में मिल के जो आप यहाँ से जॉब ढूंढ सकते हैं। एंड यहाँ पे साइड में और एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोफाइल का, तो यहाँ पे देख सकते हैं।
तो ऊपर करेंगे तो जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप करेंगे सब कुछ यहाँ पे सो जाते हैं। यहाँ प्रोफाइल और रिसेप्शन पे जैसे टाइप करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल बना रहता है सब कुछ यहाँ पे सो हो जाता है। यदि आप इसे एडिट करना भी चाहते हैं तो एडिट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से जो भी मैंने फोटो भी एडिट नहीं किया है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अपना जो है प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ से लगा सकते हैं। एंड ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे मैसेज का, तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन मैसेज आता है एप्लीकेशन के जो है रहते हैं सबको कस्टमर से, तो आप कस्टमर के द्वारा यहाँ पे सब कुछ आपको कस्टमर के रूप में आपको यहाँ पे मिल जाता है। यानी कस्टमर को यहाँ पे सर्विस देने के लिए सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं मैसेज के थ्रू। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं जो मैसेज का ऑप्शन है तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड आप जो इस एप्लीकेशन का यूज़ कर पाएंगे और यहाँ से अपने लिए एक अच्छा सा जॉब यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।